तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक और सोलो कॉन्करर रैंक उसका गेम प्ले। और गाइस इस गेम में होने वाले दो दो गेम प्ले सोलो कॉन्करर रैंक के। और तुम्हारा भाई ने कल ही रैंक पुश्ट करना स्टार्ट किया है। तो तुम लोगों का रैंक क्या चल रहा है, तुम लोगों में से कितने ने कॉन्करर लगा चुका है और कौन लगाने वाला है, कौन अभी भी मेरी तरह लेट लल्लू है जिसने अभी भी ट्राई मतलब अभी रैंक पुश करने स्टार्ट किया है। गाइस एक को तो M16 से फिनिश कर देते, इसको भाई AKM से मतलब भाई टकलाई बजा देते हैं AKM से। तो वैसे मैं जैसे ही अपनी लूट कंप्लीट करके आगे जा ही रहा था गाड़ी लेने, तभी से ये बंदा आगे से आ रहा है, शायद सामने से ही लूट के आ रहा होगा, ये भी यही गाड़ी लेने आ रहा है। तो इसको तो इजीली भर देते और आगे वे दो किल के लिए गाइस लाइक नहीं किया तो क्या किया। वैसे मैं उस बंदे की पेटी लूट के आके उस अपार्टमेंट के यही से बहुत सारी रोटेशन निकलती है तो किल मिलने के चांसेस, लेकिन कोई भी रोटेशन नहीं निकली अब। और तभी ये गाड़ी निकलती है भाई, मतलब इतना ज़्यादा डैमेज करने के बाद एंड मार दिया फाइनली। लेकिन भाई जितना सोलो में पता नहीं बंदे कितनी HP मिलती है भाई, बहुत डैमेज देते हैं लेकिन और वहाँ से लूट करने के बाद मैं यहाँ पे गटका के आगे वाले घर होते हैं वहाँ पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैं घर चेक कर रहा होता तभी एक बंदा आसमान से गिरा, मतलब पता नहीं वो जोन के बाहर से आया होगा। तो इस बंदे के साथ थोड़ी लंबी फाइट चलती है, इससे बहुत नेड़ मारता हूँ लेकिन बंदा मरता ही नहीं है नेड़ से। तो आखिर इस बंदे को कैसे मारते हैं देखो। मतलब बंदा बहुत चालाक था, मेरे को लगा बंदा घर में होगा लेकिन बंदा वॉल के पीछे जा चुका था। उस पर एक और नेड़ ट्राई करता हूँ और ये नेड़ सही था लेकिन बंदा फटा क्यों नहीं ये समझ में नहीं आया मेरे को। आखिरकार इस बंदे को नेड़ के बाद फाइनली UMP से मार ही देते हैं। और इस बंदे को लूटने के बाद मैं यहीं पे आ जाता हूँ और जोन मतलब जोन का सेंटर था लेकिन यहाँ पे मेरे को लगा कोई बंदा होगा तो मैं ऐसे ही यहाँ पे जा रहा था लेकिन कोई नहीं होता। फाइनली मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे और मेरे पीछे एक कूप भी आने वाली है, तो उस कूप वाले को कैसे भरते आप देखो। थोड़ा सा स्प्रे ही इधर उधर हो गया और बंदा बच गया, तो मैं उसके ADS रखता हूँ लेकिन बंदा पीक ही नहीं करता, मतलब बंदा बहुत डैमेज होगा। तो मैं खिड़की से जाने का ट्राई करता हूँ लेकिन मेरा बंदा पता नहीं खिड़की से जंप ही नहीं कर पा रहा था और तभी वो बंदा मेरे पे M24 का शॉट लेता है। मतलब हमारे सामने आके स्नाइपिंग कर रहे हो भैया, यार कुछ तो लिहाज करो हमारा, मतलब आपका जो भी है। वैसे यहाँ पे मेरे हो चुके थे 6 किल एंड अब फाइनल जोन की बारी है और यहाँ पे भाई मतलब लास्ट बंदा बच जाता है एंड ये लास्ट बंदे के साथ भाई बहुत इंटेंस फाइट होती है। बंदा बहुत मस्त खेल रहा था तो बंदे ने सामने स्मोक किया हुआ था और मैं आगे जा रहा था, सोचा M24 से हेड चिपका था लेकिन बंदा तभी गाड़ी लेके मेरे सामने ही आ रहा होता है। मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, अपना स्प्रे टट्टी है, मतलब एक भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैं बंदे पे मॉली डालता हूँ लेकिन बंदा भी बहुत शातिर था, बंदे ने भी नेड़ कुक किया था, उसने भी मेरे पे नेड़ मारा था। मैं बंदे को एक हेड लग चुका था तो मैं आगे खुशी कर देता हूँ, एक और हेड लग जाएगा ना वो आराम से अपना चिकन डिनर। लेकिन भाई बंदे ने पीक ही नहीं किया, मतलब बंदा भी बहुत सही खेल रहा था। और एक नेड़ और बाहर आ चुका है, एक प्यारा साइड और गेम चिकन। और गाइज इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और अपने दूसरे
गेम की ओर चलते हैं, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ब्रिज पे, और ब्रिज कैंप करने के लिए आता हूँ। तो मतलब मेरे से पहले भी एक बंदर आके ब्रिज कैंप कर रहा है, और उस बंदर को कैसे भरते आप देखो भाई, मतलब लिटरली सही में बंदर है वो। गैस मतलब मेरे को साउंड तो आ रही थी, मैं जंप करके स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मतलब दिख ही नहीं रहा था। मतलब बंदर ऊपर चढ़ के बैठा था और मैं नीचे ऐसे देख रहा था साइड पे या कहीं पे होगा, लेकिन बंदर ऊपर चढ़ के बैठा था, और तभी फायर उसने फायर किया और तभी मेरे को स्पॉट हो चुका। स्पॉट वाले मतलब बेटी तो बननी ही है, तो गैस इसको तो आराम से भर देते, लेकिन भाई इसने क्या डराया था मेरे को। मतलब भाई इसकी दो गोली और कनेक्ट हो जाती हैं तो भाई अपना यहीं पर माइनस लग जाता, और आगे से एक बग्घी आ रही होती है, और गाइस बग्घी वाले को कैसे भरते हैं ये देखो। इस प्यारे से दो हेडशॉट के लिए लाइक तो बनता है गाइस, अभी भी लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, और आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो और अपना प्यारा सा वॉइस ओवर इन्जॉय कर रहे हो तो गाइस लाइक तो बनता है। तभी मैं उसकी वहाँ पर दो बॉट आते हैं और उनको मार के मैं निकल लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे को ये हिल चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पहले से एक बग्घी वाला रुका था, और गाइस बग्घी वाले ने भाई फ्रेश लेवल 3 हेलमेट लेके आया था मैं वो शॉप से, और इसने भाई हेड में ख़त्म पूरा डैमेज मतलब आधा डैमेज कर दिया। तो मैं कुछ नहीं शेक में आ जाता हूँ हील करने के लिए, और तभी बाइक वाला एक रोटेशन दे रहा होता है भाई यहाँ पे, मतलब क्या गजब लेवल का ले दे रहा था। इसको सिर्फ एक ही बुलेट कनेक्ट होती है, और बाद में बंदा पता नहीं क्यों रुक जाता है। तो इसके लिए भाई बंदा रुका तो मतलब उसको रुकना ही था हमेशा के लिए, तो इसको हमेशा के लिए रोक दिया इस गेम में। और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ ये पोचिंग की वाली हिल पे, और गाइस यहाँ पे अपना एक प्यारा सा चिकन डिनर होने वाला है। तभी एक बग्गी वाला मतलब सलमान खान बनने आ रहा था, इसको भाई उतार तो नहीं पाए, सही है भाई मतलब उतार तो नहीं पाए, और बंदा आगे रुक जाता है। तो सबसे पहले मैं मॉली करता हूँ और सीधा उस पर पुश कर देता हूँ, क्योंकि भाई बंदा ग्राउंड ग्राउंड पे था, और अपन हाइट से भी इजीली मार सकते थे, और भाई मतलब इसको तो इजीली निपटा दिया, और बंद सामने फाइट हो रही थी, और ये अपना भाई हक दिया, मतलब भाई एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुई एंड में, लेकिन फाइनली एक हेड और कुछ बॉडी शॉट के बाद बंदे का गेम ख़त्म हो जाता है। गाइस इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ऐसे टट्टी स्प्रे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और लास्ट में बैठा था और गेम से आ ही रहा था, लेकिन भाई मजा लेकिन एक बुलेट अपनी कनेक्ट हो जाए बंदे पे, भाई नहीं पता नहीं कैसे हो गई, और अपना प्यारा सा चिकन डिनर बैक टू बैक दो गेम चिकन डिनर मार दिया तुम्हारे भाई ने।